शेखर जी, स्पोर्ट्स लाइफ में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना बड़ा अवार्ड आज आपको मिला है, रेडिएंट अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ये अवार्ड मिलने से मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि जैसे वी हैव थाउजेंड्स ऑफ आई मीन स्पेशली एबल्ड पीपल थ्रू आउट द इंडिया, बट दिस काइंड ऑफ रिकग्निशन सपोर्ट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू गेट एनी अप्रिसिएशन दिस काइंड ऑफ थिंग, हमें भी बहुत अच्छा एक हिम्मत बढ़ता है कि हम और कुछ करना है, और आगे बढ़ना है, हमारा देश का नाम रोशन करना है। सो दैट फीलिंग आई हैड टुडे, एंड ऑफ कोर्स माय इंस्पिरेशन एंड माय सपोर्ट इज माय वाइफ। आपको कैसा लगा? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आपका क्या रोल रहता है, लाइक किस तरीके से आप सपोर्ट सिस्टम बन के रहते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं? बेसिकली घर में उसको सपोर्ट करने से, कोई अटेंशन नहीं लेने से, उसको नहीं देने से उसको माइंड फ्रेश होने से कुछ कर सकते हैं ना, इसलिए। सर ये बताइए, क्रिकेट में कैसे आना हुआ, लाइक कैसे? सर एक्चुअली मेरा मम्मी ने मुझे हमेशा बताते थे कि कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो मैंने जब ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो पता नहीं अगर वो लोग कुछ फुटबॉल या हॉकी खेल रहे होते तो मैं उसमें चले जाता, आई डोंट नो। तो क्रिकेट खेल रहे थे तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद लगा, और समर हॉलीडेज़ में मैं घर को गया तो तब मम्मी को बताया कि मैं हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। सो शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, बट शी सेड दैट आप इसी में कुछ बन के दिखाओ, इसी में आप देश का नाम रोशन करो। सो लाइक दैट शी टोल्ड मी, एंड फ्रॉम दैट डे I started loving cricket, playing cricket, whatever you can say, I used to breathe cricket. So वहाँ तक मैं क्रिकेट को मेरा मन में लगा लिया, और अपना देश को खेलने का उम्मीदें रखकर मैं खूब प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, सो यहाँ तक पद्मश्री अवार्ड तक पहुँच गया। अभी हाल ही में ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, ODI वर्ल्ड कप, जिसमें टीम इंडिया जो है जीतते रह गई है। आपने कहा आप क्रिकेट ब्रीथ करते हैं, क्रिकेट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, खेलते हैं, कैसा लगा था आपको उस दौरान? मैं सही में बोलना है तो मैं उससे अभी बाहर नहीं आया। पूरा 9 मैच जीत के लास्ट मैच आई नेवर मैं, ये तो ईजिली था एक्चुअली। इसी उस दिन मैक्सवेल वो मैच में डबल सेंचुरी नहीं बनाता, उसको अगर क्रैम्प्स आके वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता, तो मैं सीरियसली आई एम टेलिंग यू स्टिल आई हैव नॉट कम आउट ऑफ फ्रॉम द टूर्नामेंट। सो लेकिन सभी प्लेयर्स बहुत अच्छे खेले, बहुत अच्छा था, बट आई डोंट नो अगर फॉर एग्जांपल अभी एक आप नया गाड़ी खरीदने से उसके ऊपर कुछ काला लगा देते हैं क्योंकि उसका ऊपर नज़र ना पड़े। सो ऐसा कुछ पहले ही होना था, ये फाइनल में हो गया बस। बिल्कुल, हम सब भी उससे उभर ही रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।